तो जी गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है फेवरेट तवा भी शो आ चुका है। उसके साथ में ये बिरयानी फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर करवाई है यहाँ से। अभी देखते हैं कि इसका क्या टेस्ट होता है। तो ये है इसकी बिरयानी। तो जी गाइस, अभी मैं आई हूँ अपनी पसंदीदा एक रेस्टोरेंट में, जहाँ से मैं आम जगह मतलब आम घर में भी नॉर्मल रूटीन में अपना ऑर्डर वगैरह करवा लेती हूँ, जबकि मैं व्लॉग वगैरह बनाने नहीं जाती, तो तब मैं यहीं से ऑर्डर करवा के खाती हूँ। तो आज वही चीज़ें जो है मैंने ऑर्डर में अपने लिए भी मंगवाई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अब ये खा ली जाए, इधर आके खाया जाए, क्योंकि पैक करवा के जब वहाँ जाने का लेके आते ना, जब तक थोड़ा ठंडा हो जाता है, कभी रोटी ठंडी हो जाती है, कभी वो चीज़ खाने का मज़ा नहीं आता। तो अभी इनके सामने ऑर्डर करेंगे और यहाँ बैठ के, जो पहली बार मैंने यहाँ से खाया था ना, जो यहाँ बैठ कर मज़ा आया था, वो वहाँ जाकर जो है ना मज़ा नहीं आता घर में। तो इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें यहाँ पर आकर खाया जाए। तो आप सबसे पहले आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना है, पूरी वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो अभी ऑर्डर करते हैं अपना कुछ मज़ेदार सा। ओके, तो ये सारा इनका मेन्यू है, देख लेते हैं। ज़रा लाइट इनकी गई हुई है, इस वजह से थोड़ा अंधेरा है उधर सारा कुछ, बैठ थोड़ी सी रोशनी थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। इसने दो तवा भी लेग वाले और एक प्लेट बिरयानी की और रोटियां, चार रोटियां बस। कितनी देर लगी? छोटे पूरा पूरा रखा, पूरे पूरे। ओके चले। तो जी गाइस, यहाँ की लाइट गई भी है, अभी 10-15 मिनट तक लाइट जैसे ही आएगी, फिर यहाँ की भी जो सारी लाइटें वाइटें ऑन हो जाएंगी। तो खाना भी है ऑर्डर कर दिया, अब देखते हैं ऑर्डर कितनी देर में आता है। 15 मिनट तो लग ही जाएंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि इतना टाइम तो लग ही जाता है। अब जैसे ही मेरा सारा ऑर्डर आएगा फिर मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि यार इनका खाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। गई तो मैं काफ़ी जगह पर, लेकिन ये है कि यहाँ का मुझे पसंद है और यहाँ से मैं ऑर्डर भी करवा लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऑर्डर करवा देते हैं, ये हर जगह का ऑर्डर भी कर देते हैं और बाहर हमारे सामने हर चीज़ बनती है। तो अभी जैसे ही खाना आता है तो मैं खाने के लिए एक्साइटेड, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी देर बाद आई हूँ अपना खाना खाने के लिए। वैसे हम इधर उधर से सारा कुछ खा लेते हैं, सोचा इधर उधर जो खाते रहते हैं कभी कहाँ से कभी कहाँ से, तो क्यों ना इधर जहाँ का मुझे खुद से पसंद है वहीं आके खाना खाया जाए, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आता। वहाँ कई जगह का अच्छा होता है, कहीं का स्पाइसी होता है, कहीं का कैसा होता है, लेकिन यहाँ पर यह है कि इनका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। डिलीवरी का यही मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे हम डिलीवरी के लिए घर आजकल सर्दी है तो मंगवाते हैं तो चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे खाने का ये है कि जो टेस्ट है ना वो अलग ही टेस्ट है, क्योंकि सामने से बस बन के आता है और यहाँ पे फटाफट खाओ। तो बिरयानी इनकी मैंने पहले कभी टेस्ट नहीं की हुई थी, तो वो भी मैंने ऑर्डर करवाई है। अब जैसे ही बिरयानी भी आती है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी बिरयानी कैसी है, वो भी टेस्ट मैं आपको इनका बताऊँगी। तो जी गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है फेवरेट तवा भी शो आ चुका है। उसके साथ में ये बिरयानी फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर करवाई है यहाँ से। अभी देखते हैं कि इसका क्या टेस्ट होता है। तो ये है इसकी बिरयानी, जो कि इसके अंदर डाला हुआ है लेग, साथ में ये चटनी, ये दो तरह का एक रायता है, ये रायता और ये चटनी है। अब इसको खाकर अच्छे से देखते हैं कि क्या इसका टेस्ट है। तवा पीस इनका जो पहले मैंने बहुत दफ़ा खा चुकी है, लेकिन बिरयानी मैंने कभी इनकी टेस्ट नहीं की। तो बहुत ज़्यादा अभी गर्म बिरयानी है, धुएँ निकले या भाप निकले, तो इससे पहले कि हमारा मुँह जल जाए, लेकिन आराम से खाएंगे इसके साथ। लेकिन शामी वगैरह ऐसी कोई चीज़ है ना नहीं मिलती, सिर्फ आप लोग इसी तरह ही खा सकते हो चिकन। और ये मैंने पूछा था उनसे कि कोई शामी कबाब या कुछ मिलता, उन्होंने कहा नहीं, शामी वगैरह तो नहीं होता हमारे साथ, कबाब वगैरह सिर्फ यही। अगर दूसरा हमने सीख कबाब या दूसरा कबाब देना तो वो वहाँ से आप अपने पैसों का मतलब के ले के लगवा सकते हैं, लेकिन दूसरा जो बिरयानी के साथ शामी कबाब होता वो नहीं मिलता। लेकिन इनका तवा पीस वगैरह जो चीज़ें हैं बाकी लाजवाब है। तो अभी मैं आपको इनका टेस्ट भी है जो करके दिखा देती हूँ कि इनका क्या क्या सीन है क्या नहीं है। तो ये देखें जी गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मज़ेदार सा है ये सारा। इसको भी एक बाइट बना के देखते हैं और इसको खाते हैं। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इनकी बिरयानी का टेस्ट ऐसे जैसे शादी ब्याह में हम लोग बिरयानी नहीं आती, वो सीन है बिल्कुल सेम। मज़ेदार थोड़ा सा रायता भी डाल कर देखते हैं, वो चटनी नहीं मैं खाती पर ये ही डालेंगे। रायता को करते हैं अच्छे से मिक्स और फिर हम खाते हैं। ये देख रहे हैं कितना
ओके। तो ये है इनका तवा पीस, इसको भी करते हैं अब अच्छे से फ्राई। टूट ही नहीं रहा जो हमसे। ये तो मैं हजार बार ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन अब यहाँ से खा रही हूँ। ये देखो तवा पीस का टेस्ट तो वही है जो पुराना इनका होता है, मजेदार। क्योंकि ये तो हम घर में भी ऑर्डर करवा के खा के रख चुके हैं लेकिन फिर भी ये कहने क्योंकि मजेदार ही बहुत होता है। नाइस। तो जी गाइस, मिर्ची के साथ भी तवा पीस और रायते के साथ। ये है इसकी मिर्ची और यहाँ से इसका लेते हैं थोड़ा सा रायता। जी गाइस, अभी हम खा लेते हैं अपना खाना और फिर खा जा के फिर आपको मिलती हूँ। तो जी गाइस, आप देख सकते हैं खाना शाना जो है हमारा हो गया है ख़त्म। यहाँ पे कुछ पैक भी करवा लिया। तो बिरयानी इनकी काफ़ी अच्छी थी तो बिरयानी को मैंने हाफ जो है पैक भी करवा लिया और जो तवा पीस है वो तो मुझसे खाया नहीं गया तो उसको भी मैंने पैक करवा के रख दिया। तो अभी चलते हैं हम बाहर और बाहर चल कर फिर आपको दिखाती हूँ जहाँ पे इनका सब कुछ खाना वाना सब कुछ चीज़ें जो है बन रही होती है तो वो भी जो आपको जगह जाकर दिखाती हूँ। हर जगह पर रश लगा हुआ है, हर चीज़ खाने बनाने का जैसे मुझे करता है, बस जाकर अंदर घुस जाओ खा लो। तो अभी चलते हैं हम बाहर, खाना शाना हमने खा लिया, पेट जो है मेरा बिल्कुल फुल हो चुका है और अब घर जाकर पियेंगे ग्रीन टी क्योंकि आज हमने खा लिया चावल। और इस तरह की भाई, इस तरह की व्लॉगिंग में ना डाइट वाइट तो हम कभी भी कर नहीं सकते, बात तो सही है। तो जी गाइस, खाना शाना जो था हमने अपना लिया है खा। तो अभी चलते हैं बाहर और जाकर मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे इनका सारा खाना वाना जो है बन रहा है। तो यहाँ पे इनका सारा खाना जो है बन रहा है, बाकी सारे लड़के काफ़ी ज़्यादा इनके जो है सारे ये वर्कर्स ही हैं। अब यहाँ से ही मैं ऑर्डर करवाती हूँ, मुझे पता नहीं है कि वो कौन है लेकिन जो ऑर्डर वगैरह करने के लिए आता है। बाकी ये सारे खाने जो है बारिश से ही आप पर दिखा देते हैं। गाइस यहाँ पे सारे ऑर्डर लगे हुए हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ डिलीवरी के लिए भी होते हैं और ये इनकी शॉप है, यहाँ पे डिलीवरी के लिए भी होते हैं बाहर लगे हुए हैं ऑर्डर क्योंकि अंदर तो कम ही लोग बैठे हुए हैं लेकिन ये सारा कुछ जो है लगा हुआ खाना पीना ये अब सारा डिलीवर होगा क्योंकि सर्दियों में लोग जो है बहुत कम आते हैं तो ये सारी चीज़ें इधर डिलीवरी के लिए लगी हुई हैं। तो जी गाइस, आप ऐसा अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।